कि रोस्टी को बुझाने ये मारते हैं दम, यहीं से होता है एडिक्शन का आरंभ। ये पीते हैं सिगरेट टू इम्प्रेस एंड टू बी कूल, कौन बताए नहीं है सबसे बिगेस्ट फूल, सबसे बिगेस्ट फूल। टोबैको स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसी वार्निंग को हम बचपन से मूवीज में सिगरेट के डब्बे पर देखते हुए आए हैं, पर फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं। और जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इंडिया में 20% लोग टोबैको का सेवन करते हैं। माय गॉड। और ये जानलेवा इंडस्ट्री लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की है। What? तो शार्क्स, हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा कि अगर लोग टबैको की आदत को छोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट बदल तो सकते ही हैं। और इसी स्मोकिंग को गिल्ट फ्री एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ऑर्गेनिक स्मोक्स। शार्क्स, मैं हूं गौरव टीएचसी। शार्क्स, मैं हूं नितिन टीएचसी। शार्क्स, मैं हूं पीयूष टीएचसी। एंड वी आर द हर्बल छाबड़ास फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। ऑर्गेनिक स्मोक्स धूम्रपान को धूम्रपाना से रिप्लेस करता है, जो कि एक एंशियंट आयुर्वेदिक स्मोकिंग थेरेपी पर बेस्ड है। ऑर्गेनिक स्मोक्स बना है हमारे एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशन से, जिसमें हम डालते हैं तुलसी, ग्रीन टी, रोज पेटल्स, स्पीयरमिंट लीव्स और कुछ अन्य एक्सोटिक हर्ब्स, जो कि स्मोक करने पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं बिना किसी हेल्थ इंपैक्ट के। ऑर्गेनिक स्मोक्स को आयुष मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी मिला है। शार्क्स, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की टबैको स्मोकिंग से होने वाली डिजीजेस की है, और हम 3 हर्बल भाई इसी पर काम कर रहे हैं। हर्बल भाई। तो शार्क्स, हमारा आस्क है 1 करोड़ और 1%। पीयूष, गौरव एंड नितिन, राइट, वेलकम टू शार्क टैंक। काफी यूनिक प्रेजेंटेशन है आपका, फ्रॉम योर हेयर स्टाइल टू योर बियर्ड स्टाइल टू योर सरनेम स्टाइल। मुझे आप लोग को देखे गब्बर की याद आ, मुझे तो लगा जेल से भाग के आए हो। हम दो बेसिकली रियल ब्रदर्स, ये हमारा चाचा का बेटा, बट हम सब एक घर में रहते हैं। कैसे आया आपको ये यूनिक आइडिया कि आपको ये करना है? कहानी है मतलब बेसिकली इसकी भी, नितिन भाई, गौरव भाई और मैं अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया, और वो हमारा एक आयुर्वेदा का स्टोर था बेसिकली। अच्छा जी। वो दिमाग में रहता था कि पापा वाला मोनोटोनस लाइफ नहीं करना है, मतलब कि जाके रोज गल्ले में से पैसा बनाना। और भाई, आपका बात करने का स्टाइल थोड़ा ऐसे लग रहा है कि सच में मार के आए हो, लेकिन आप बोलते रहिए। बूस्ट अप करने में जितना मतलब कि हमारा एफर्ट लगा है वो आप नहीं जानते, आपने तो बोल दिया। नहीं, नहीं, नहीं। हम तो आपके साथ मजाक कर रहे हैं। मैं वापस से कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं। हम लोग ने ऑर्गेनिक इंडिया का एजेंसी लिया था। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक इंडिया। तो उस हर्ब्स को रोल किया और स्मोक कर दिया। रात में हम तीनों भाई घूम रहे थे तो सोचा करके देखते हैं कुछ। इसे कहते हैं डिसरप्टिव एंटरप्रेन्योर। अगले दिन पापा को बताया कि ऐसा है, वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मतलब पूरा, मतलब कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो लसन। तो बोले कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, पहले इसको कॉपीराइट कराओ, ट्रेडमार्क कराओ, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, मेरे को प्रोडक्ट दिखाना है, फिर मेरे टेक्निकल सवाल है, मैं दिखाता हूँ। ये तो स्मोकिंग ऑयल है। यार, बड़ा जबरदस्त पैकेजिंग है आपका। You know, फार्मा में प्लसीबो होता है, आपको मालूम है प्लसीबो? प्लसीबो इफेक्ट, यस। तो आप इसे प्लसीबो ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को सेटिस्फैक्शन आए कुछ स्मोक करने का, बट एक्चुअली अंदर टी है इंस्टेड ऑफ टोबैको। सो इट्स मोर लाइक वी हैव रिप्लेस्ड निकोटीन विद कैफीन। बट निकोटीन का जो एडिक्शन एंड कैफीन का एडिक्शन में दुनिया जमीन आसमान का फर्क है। आप सिगरेट पीती हैं? नहीं। यार, आप यार ये करते हो ना, मेरे को बड़ा मूड में ला रहे हो आप। पार्टी टाइम हो गया अनुपम का। 100 करोड़ की वैल्यूएशन में सेल्स क्या है?
पहले एक सेकंड, मेरा प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है, एक सेकंड, सेल्स पहले बताएं या क्वेश्चन जैसा भी आपको। सेल्स बता दो। सेल्स मैम लास्ट मंथ हुआ था 40 लाख। 40 लाख जी एक महीने में? जी। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट सर 10% हमारा EBITDA रहता है। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तो कमाए हमने। पापा ने क्या कहा, शाबाशी दी? बहुत। पापा तो बोलते हैं अपना करो हमारा मतलब। आपने जो बताई 40 लाख की सेल करी है, वो कहाँ पे करी? ऑल ओवर इंडिया। कैसे करी? 45 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, उनके थ्रू करते हैं। हमने बहुत अच्छा डेटा बनाया है अपने एग्जीबिशंस के थ्रू, हमने एग्जीबिशंस के थ्रू मार्केटिंग करा है जितना भी करा है। और ये बिकती कहाँ है? नॉर्मल जो पानवाड़ी होता है पान शॉप पे बिकती है, फार्मेसीज पर बिकती है, यहाँ वेलनेस स्टोर्स हैं मुंबई में, नोबल केमिस्ट हैं, सब रखते हैं, पूरा स्पेस ही खाली है। तो ये इंडिया में आप सबसे पहली कंपनी है करने वाली या बहुत लोग कर रहे हैं? देखो वी आर द पायनियर्स, अभी 5-6 बच्चे हुए हैं ऐसा आए हैं ऐसा मार्केट में। देखो से आप शुरू करते हैं ना, बड़ा अजीब देखो। मैं जब आई एम अहमदाबाद में थी तो 2006 में एक केस स्टडी हमें पढ़ाई जाती थी जो हर्बल सिगरेट होता था, जिसमें ऐसे ही टोबैको का रिप्लेसमेंट विद कैफीन। उनका सेम आइडिया था कि आपको वो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि आप स्मोक कर रहे हैं विदाउट द टोबैको, पर वो स्केल नहीं कर पाए। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं लग रहा मुझे। 5000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, चरक संहिता बुक में लिखा हुआ है स्मोकिंग थेरेपी। कौन सी बुक में? चरक संहिता, इट्स आयुर्वेद का टेक्स्ट है बेसिकली। अच्छा समझ गए, पर ये जो ब्रांड थी ये काफी बड़ी हो गई थी, उसके बाद ये स्केल नहीं कर पाई। तो नहीं देखिए मैम, उसने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया कि इसको मैं ग्लोबली और अच्छे से स्प्रेड करूं। आप उसका डब्बी देखिए, कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने उठाई थी, देख के मारी, मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा मैंने डिसीजन बना लिया है। पर इसको कोई भी कॉपी कर सकता है ना? कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग में टाइम लगेगा ना। अच्छा मैंने डिसीजन, और एक बेसिकली लंदन का ब्रांड है हनी रोज करके। अरे भाई इनकी बात सुन ले। हाँ। प्लीज 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 बोलिए। तो देखो इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। शीशा सिगरेट और जो जो होता है ये बाकी कुछ, और आपका जो है इनमें फर्क क्या होता है? शीशा भी ये लीगल है? इलीगल है? सी एवरीथिंग इज लीगल, टोबैको है तो वो लीगल है बेसिकली, पर वार्निंग आ रहा है ना उसके अंदर, वो आप आपको बोल रहे हैं कि आप मरने वाले हो और आप पी रहे हो। आप इसके बाद पिच खत्म होगी ना, आप तीनों कर क्या रहे हो ये बताओ। I like it. आप कह रहे हैं इन सारे ऑप्शंस में से आपका हेल्दीएस्ट है? हमारा हर चीज हर्बल है जिसका कोई इसका कोई नुकसान ही नहीं है। जी इसका डोसेज रहेगा बेसिकली 1 in 4 hours। यस ऐसा क्यों है? क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन है सर। इसको जलाया जाता है, ठीक है? तो कोई भी चीज को अगर आप जला के इनहेल करेंगे तो आप फ्यूम्स इनहेल कर रहे हैं, तो फ्यूम्स तो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। गुड पॉइंट। तो आपका ये जो क्लेम है ना कि नो हार्मफुल इफेक्ट, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, और आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। मेडिसिन के ना 3 रूट होते हैं बेसिकली। एक रूट जिसके अंदर स्मोकिंग के थ्रू आप हर्ब्स को इनहेल करते हो, तो ये धूम्रपान वही एक थेरेपी स्मोक है बेसिकली। इसके अंदर हमने मेडिसिनल हर्ब्स डाले हैं, तुलसी, ग्रीन टी, रोज पेटल्स, स्पीयरमिंट लीव्स, सोलमनम, नीगरम, ए अक्विमिनाता, और भी 2-3 हर्ब्स हैं जो नाम ही बड़े डिफिकल्ट है कहीं ना कहीं। आपका जो नॉलेज है ना बहुत जबरदस्त है। भाई इसमें हानि तो है ही, कम है वो आप बोल सकते हो। तभी डोसेज है ना, डोसेज जैसे 1 in 4 hours डोसेज हम क्लेम कर रहे हैं। आ गए वो बात पे, अभी मेरे को प्राइस बताइए जल्दी से। ये 250 का 10 है वैसे। 250 का 10 होता है सिगरालो, मतलब सिगरेट की जो इंपोर्टेड सिगरेट आती है उससे डबल। नो सेम कॉस्ट, 20 रुपए की नॉर्मल सिगरेट आती है सर, और हमारी 15 रुपए की नॉर्मल सिगरेट आती है। अच्छा मंथ और मंथ ग्रोथ बता दीजिए ताकि मेरा डिसीजन बन जाए जल्दी से। इस साल 7 लाख से स्टार्ट किया जनवरी में, नहीं अप्रैल में, 7 लाख का हमने सेल किया, उसके बाद 20 लाख का सेल किया, फिर 14 लाख का सेल किया, 15 लाख का सेल किया, 40 लाख का सेल किया हमने।
इस साल हम अराउंड 5 करोड़ से प्लस क्लोज करेंगे इसको। इतना फ्लक्चुएशन क्यों है सेल्स में? 14 देखो, जैसे एग्जीबिशंस रहते हैं ना, तो हमारा सेल ऊपर जाता है क्विकली। आपकी सेल्स कंज्यूमर की नहीं है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर की सेल है। हर 2-3 महीने में डिस्ट्रीब्यूटर आके माल ले जाते हैं आपसे, आगे जाके होगा कि नहीं पता नहीं, बट आज तक माल वापस नहीं आया हमारा कहीं ना कहीं। अरे वापस कहाँ से आएगा यार? सर डिस्ट्रीब्यूटर भी तो कंज्यूमर को बेच रहे हैं ना। बट इट्स नॉट येट अ कंज्यूमर बिजनेस। मेरे उसूल के हिसाब से कोई भी ऐसी हेल्थ प्रोडक्ट्स दैट इज नॉट साइंटिफिकली 100% प्रूवन दैट इट इज नॉट हार्मफुल टू यू, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं आज इससे बाहर हूँ। गुड लक। थैंक यू सो मच। अमन आपने डिसीजन बना लिए? हाँ, मेरा भी आउट है। जैसे रीजन इन्होंने बताए सारे रीजन मेरे सेम। All right. मुझे अभी कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है कि यही है वो सोल्यूशन जो स्केल करके इस प्रॉब्लम को मिटा पाएगा कि नहीं, तो आई एम नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एट दिस स्टेज विद यू, बट बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज इरेडिकेट टोबैको एंड स्मोकिंग। थैंक यू सो मच। मैं मानता हूँ अच्छा कर रहे हैं और इतनी सेल कर पा रहे हैं और होपफुली आप ये प्रॉब्लम को इरेडिकेट भी करेंगे, पर आज मैं इससे बाहर रहूंगा क्योंकि मेरी ये एक्सपर्टीज नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Keep smiling.